हेलो एवरीवन, लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है आपके पास और इसने पूछा है कि पहले मुझे बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर मुझे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। चेक करने का मेथड हमें पता है, हमें क्या करना होता है, पहले निकालते हैं A1 डिवाइड बाय A2 यानी रेशियो ऑफ कॉफिशियंट ऑफ x इन बोथ द इक्वेशंस। क्या होगा भाई, A1 जो पहली इक्वेशन में x का कॉफिशियंट है क्या है, 2 डिवाइडेड बाय A2 क्या होगा जो दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशियंट है, ये क्या है, 4। तो दिस इज 2 बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या होगा, 1 बाय 2 मिल गया फर्स्ट। फिर निकालते हैं B1 डिवाइड बाय B2। B1 क्या है भाई, जो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में यानी माइनस का 2, ठीक है। B2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है माइनस का 4। माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन दिस इज 1/2 यानी ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, दो तो इक्वल मिल गए। नेक्स्ट निकालते हैं C1 डिवाइड बाय C2। C1 मतलब कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, माइनस का 2 होल डिवाइड बाय C2 सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म माइनस का 5। माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे देखो यहां से मिल रहा है कि A1 डिवाइड बाय A2 जो है उसकी वैल्यू थी 1/2 और B1 डिवाइड बाय B2 की वैल्यू भी 1/2 थी, इसका मतलब ये दोनों तो है इक्वल, बट C1 बाय C2 की वैल्यू क्या है, 2/5, तो क्या ये 1/2 के इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है C1 डिवाइड बाय C2 के। और ये कंडीशन कब होती है, जब हमारा आता है नो सॉल्यूशन, क्या आता है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये इनकंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो मुझे आगे सॉल्व भी नहीं करना। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, आसान था अभी के लिए। थैंक यू।